सांसद और विधायकों से कि आप अपनी औकात में रहिए, नहीं तो यहाँ आएंगे तो जूतों की माला पहनाएंगे। जिन्होंने वीडियो बनाया है उनकी क्या गलती, आप वीडियो बना रहे हैं, आपको ले जाकर के थाने में डाल दिया। हमारे शौर्य चक्र विजेता विकास जी जाखड़ के साथ में अब दुर्व्यवहार और मारपीट। विधायक रफीक खान ने उनके पास में कोई फरियाद लेके गए थे, उनकी मिसेज वहाँ उनके यहाँ विधानसभा में काम करती है, नर्सिंग ऑफिसर है, और वहाँ पर उनकी फरियाद लेकर गए, उन्होंने कुछ उनके बताया। विधायक जी ने और उनके साथ में जो उनके गुंडे थे उन्होंने शौर्य चक्र के साथ में मारपीट की, और मारपीट भी इतनी मारपीट की कि शायद मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि दूसरे संगठनों के साथ में यदि ऐसा होता तो आज तक मेरे देखने में जयपुर को हिला देते। हम सैनिकों को, सबको, राजस्थान के पूरे सैनिकों को मिलकर के और सब जगह पर विज्ञापन देना चाहिए, प्रशासन को आगाह करना चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको भी अमल में लाना चाहिए। ऐसे यदि सैनिक के साथ में मारपीट होती रहेगी, ऐसे विधायक या सांसद बोधे ऐसे गलत करते करते रहेंगे तो आने वाले समय में जो समाज है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि राजस्थान सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन मिल करके और जो विधायक है रफीक खान उसके ऊपर कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत। अभी सर जो विकास जी है वो कहाँ पर है? अभी विकास जी जयपुर हैं, जयपुर में जेल में है। जेल में तो उनके उनके ऊपर कौन कौन सी धारा है? धारा कुछ भी लगा दे साहब, प्रशासन कुछ भी धारा लगा दे, विधायक 300 साल लगा दे। आप वीडियो में साफ देख रहे हैं, आप प्रशासन देख रहा है, पूरी सरकार देख रही है कि उनके साथ में शौर्य चक्र के साथ में मारपीट हो रही है, उसके बावजूद भी उसको जेल में डाला जा रहा है। जिन्होंने वीडियो बनाया है उनकी क्या गलती, आप वीडियो बना रहे हैं, आपको ले जाकर के थाने में डाल दिया। इतना बड़ा अन्याय एक विधायक है उसके वो उसके द्वारा किया गया, उसके बाद भी प्रशासन और जो राजनीतिक कर्ण है वो कोई सांस नहीं निकाल रहा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यदि सैनिकों के साथ ऐसा होता रहा तो जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक काम कर रहे हैं वो क्या काम करेंगे, मेरे को बताओ, क्या सुरक्षा करेंगे वो उनके परिवार सुरक्षित नहीं है, वो क्या वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे? इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ इन सांसदों और विधायकों से कि आप अपनी औकात में रहिए, नहीं तो यहाँ आएंगे तो जूतों की माला पहनाएंगे, और हम सब सैनिक इकट्ठे होकर के आपकी ठीक से तारीफदारी करेंगे, आपको माला फूलों वाली नहीं जूतों वाली माला पहनाएंगे। ये हम भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम वंदे मातरम, चक्र को न्याय दो, विकास चक्र को न्याय दो, विकास चक्र को न्याय दो।